नमस्कार। रात के 8:50 हुए हैं। उस दौरान जब आप अपने कामों में और ऑफिस में व्यस्त थे, जिले भर में क्या कुछ घट रहा था, हमारे रिपोर्टर्स की नजर उस पर थी। आइए देखते हैं दिन भर में जिले में और क्षेत्र में क्या कुछ घटा, उस पर एक नजर। नमस्कार, खबर दिन भर में सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और आइए जान लेते हैं इस बुलेटिन में खबर विस्तार से है, जहां जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेश तिवारी एवं प्राचार्य एस के नायक के द्वारा नवीन महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शासन की योजना के तहत मोबाइल वितरित किए गए। यह मोबाइल 230 छात्र छात्राओं को जो कि कॉलेज में अध्ययनरत हैं उन्हें वितरित किए गए। लगभग 230 छात्र छात्राओं जो कि कॉलेज में अध्ययनरत हैं उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ देते हुए मोबाइल वितरित किए गए। बच्चों ने कहा ये मोबाइल 3G है, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल कौन सा है, पर कुछ बच्चे हैं जिनके पास अभी भी मोबाइल नहीं है, जिनके लिए यह बड़ी सौगात है। मोबाइल देने का मतलब ये है कि वह आर्थिकता से परेशान जूझ रहे जिन्हें सरकार द्वारा यह योजना मिली है, इसका लाभ लेते हुए पढ़ाई के लिए संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। जनभागीदारी अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि स्मार्टफोन के माध्यम से आपको स्मार्ट बनाने के लिए यह उद्देश्यपूर्ण यह कार्य किया जा रहा है, जहां शिवराज सिंह सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों को मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं। वहीं छात्रों ने सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल का विरोध करते हुए कहा कि लोगों की 4G मोबाइल का सपना दिखाकर 3G मोबाइल दिया जा रहा है। जैसे बच्चों को खिलौने वाला मोबाइल दिए जाते हैं, ऐसे ही मामा जी ने हमें ये खिलौने वाले मोबाइल दिए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष का कार्यक्रम में सम्मान न होने पर बच्चों ने विरोध प्रदर्शन जताया। मामा जी ने दिए हम लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है और सभी बच्चों के लिए, पर मोबाइल की क्वालिटी क्या है, कैसी है, ये किसी को नहीं पता। कहा जाता है जैसे कि एक बच्चे के लिए मंगाने के लिए एक जब बच्चे रोता है तो उसकी माँ छोटा मोटा खिलौना दे देती है उसे, ऐसे ही हमारे मामा जी ने हम लोगों के लिए मोबाइल दिया है, हम लोगों के लिए खेलने के लिए और चलाने के लिए। वैसे तो सभी के लिए पता है कि आगे क्या उसमें एक तो बहुत ही घटिया किस्म के मोबाइल वितरित किए गए हैं। उसके बाद हमारी जो छात्र संघ की अध्यक्ष है उसको भी नज़रअंदाज किया गया है और हमारे छात्र संघ की उपाध्यक्ष को भी नज़रअंदाज करके उनके लिए बैठने तक के लिए व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद जब उन सर लोग को पता था कि 200 स्टूडेंट आने हैं मोबाइल वितरित कार्यक्रम में, तो उसके लिए मात्र 50 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई, बाकी के 150 बच्चे यहाँ वहाँ भटकते नजर आए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी। 11 बजे के बुलेटिन में देखते हैं रायनगर की खबर, जहाँ शासकीय महाविद्यालय में सरकार द्वारा चलाई जा रही मोबाइल वितरित योजना का लाभ देने के लिए जनभागीदारी अध्यक्ष महेंद्र पटेल ने कार्यक्रम आयोजन किया, जहां पर करीब 218 छात्र छात्राओं को यह मोबाइल वितरित किए गए। यह मोबाइल उन छात्रों को मिल रहे हैं जिनकी उपस्थिति 75% से ज्यादा है। छात्र संघ की अध्यक्ष सौम्या सोनी ने बताया कि जो मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं वह 3G है, जबकि जमाना 4G में जा चुका है। हमने अभी ये मोबाइल जनभागीदारी समिति तथा कॉलेज के प्रबंधन के अनुरोध पर ले तो लिए हैं, लेकिन ये हमारे काम के बिल्कुल नहीं है। अगर समय पर मोबाइल बदले नहीं जाएंगे तो हम इन सभी मोबाइल को सभी छात्र छात्राएं वापस कर देंगे। द्वितीय वर्ष के छात्र टीकाराम पटेल ने विरोध जताते हुए आरोप लगाए हैं कि ये मोबाइल चाइनीज दिए जा रहे हैं, जिन्हें चालू करने पर ये तुरंत हैंग हो जाते हैं। इनका उद्देश्य मोबाइल में पढ़ाई के सहयोग के लिए है, लेकिन ये हमारा केवल समय बर्बाद करते हैं। हमें जनभागीदारी समिति द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 20 फरवरी को आ रहे खजुराहो में मुख्यमंत्री से वह मिलवाएंगे। अगर मुख्यमंत्री ने समस्या का निदान नहीं किया तो वो विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। छात्रों ने ज्ञापन जो दिया है उसका संबंध है कि उसकी क्वालिटी सही नहीं है फोन की, बाकी उनका कोई विरोध नहीं था कि 4G नहीं है, इतना है। लेकिन फिर भी छात्रों ने ले लिया कि आगे फिर देखते हैं जैसा जो हो जाएगा। तो हमने कहा हम लोगों की तो योजना है नहीं, शासन की योजना है, जैसा आया है बच्चों ने स्वीकार भी किया, पर उनका केवल क्वालिटी को लेकर के उनका विरोध थोड़ा सा था। यहाँ जो ये मोबाइल मिल रहे हैं इनमें सर एक चीज की प्रॉब्लम है कि इसमें जो जिसलिए ये दिए जा रहे हैं पढ़ाई के पर्पज से, उसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि इनको खोलते ही ये हैंग मार रहे हैं। और अभी जिन बच्चों ने खोल के भी देख लिए हैं उनमें अभी 100% बैटरी थी, और जब चालू किए गए हैं तो वो समथिंग 0% हो गया है। इस प्रकार की समस्याएं इस मोबाइलों में आ रही है और पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। जो बच्चों ने लिए हैं उनको निरंतर इस प्रक्रिया में रखा गया है कि ये पढ़ते हैं तो उसमें कहीं का कुछ खुल जाता है, कहीं का कुछ खुल जाता है। We'll be right back.
नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के इस 12 बजे के बुलेटिन पर। रजक समाज के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुरानी तहसील महलों के पास श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के दौरान यहां पर 16 जोड़ों के विवाह रजक समाज के द्वारा करवाए जाएंगे, जिसके संरक्षक आलोक चतुर्वेदी पजन भैया हैं। लगभग 6 वर्षों से रजक समाज के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन होने से पूर्व श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री नर्मदेश्वर द्वारा कही जा रही है। सोमवार के दिन गोवर्धन जी की पूजा अर्चना कर यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। श्री संत गाडगे महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक विवाह सम्मेलन और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। विवाह सम्मेलन 8वां है और भागवत कथा का लगातार 6वां दिवस वर्ष है और इसमें 16 जोड़ाओं के विवाह हो रहे हैं और कथावाचक श्री नर्मदेश्वरी द्वारा वाचन किया जा रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में छतरपुर जिले के नौगांव शहर में कोठी चौराहे पर एटीएम से पैसा निकालते वक्त ग्राम पुरवा निवासी उमेश अहिरवार के साथ ठगी का मामला सामने आया है। उमेश अहिरवार जब यहां से पैसा निकाल रहा था तब एटीएम में आधार कार्ड को लिंक कराने का ऑप्शन आया। उमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसने पास में खड़े एक युवक को अपना एटीएम कार्ड पकड़ा दिया और यही युवक उसे ठग कर चला गया। युवक ने उमेश के जाने के बाद उसके खाते में लगभग 184,000 रुपए की राशि निकाल ली है। अब उमेश अहिरवार इस मामले की शिकायत नौगांव थाने में कर चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पता लगा है कि बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बड़ा मलहरा क्षेत्र के बबलू रजक ने राशि निकाली है, लेकिन अब तक बबलू रजक को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। थाना कार्रवाई का लगे हैं ये कोशिश में, मगर उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की जा रही है। आपको कब पता पड़ा कि आपके खाते से जो 184,000 रुपए निकाले गए हैं? 12 जनवरी मैं गया बैंक में डालने के लिए, तो बैंक में कैशियर साहब बोले कोई पैसा नहीं है, उसमें शेष 80 रुपया है। इसके बावजूद मैं वहाँ से वापस आ गया। आपने दोबारा नौगांव थाना प्रभारी संपर्क करने की कोशिश की? नौगांव थाने में संपर्क करने की कोशिश की जी, मैंने वहाँ पर कोशिश की तो बोले अभी हम उसी में लगे हुए हैं कार्रवाई में, मतलब उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ आपराधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं, पुलिस उनके विरुद्ध तो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन पत्रकारों के साथ अभद्रता के मामले पुलिस की ओर से सामने आ रहे हैं। नौगांव में सेक्स रैकेट पकड़े जाने की रिपोर्टिंग करने के दौरान कुछ पत्रकारों के साथ नौगांव टीआई विनायक शुक्ला ने अभद्रता की है। इस मामले को लेकर नौगांव प्रेस क्लब ने टीआई के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया है और टीआई को हटाने की मांग की है। सोमवार को भी नौगांव के पत्रकारों ने छतरपुर के पत्रकारों के साथ मिलकर एसपी विनीत खन्ना को ज्ञापन दिया और मांग की है कि नौगांव थाना प्रभारी विनायक शुक्ला को हटाया जाए। कल रात को मीडिया का के साथ ही साथ टीआई का पत्रकारों की बात शिकायत को लेकर आज ज्ञापन दिया बुंदेलखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष और उनके साथियों द्वारा, इसमें बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि थाना प्रभारी हमको 3 दिवस के अंदर इस संबंध में माफ़ी मांगे, हमारे साथी के साथ गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है। डीआई साहब के नाम संबोधित ज्ञापन है। कवरेज के दौरान सर मीडिया कर्मियों के साथ में इस तरीके का व्यवहार रहता है तो उस पर क्या कार्रवाई करें? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं आई है, कल पहली बार देखने को आई है, एक बार पहले भी समझ में आया है, ऐसा नहीं है। मीडिया भी हमारे साथ ही है, उनका सहयोग मिलेगा, सदस्य मिलेगा। कल एक शाम को सेक्स रैकेट को लेकर के मोहल्ला वासियों के सहयोग से पकड़ा गया और पकड़ कर टीआई को बुलाकर दिया गया। उसी समय टीआई साहब के द्वारा थाना परिसर में मीडिया कर्मी के साथ अभद्रता की गई। उस अभद्रता को लेकर के आज एक प्रेस क्लब द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टीआई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और उनके कामों का बहिष्कार 3 दिवसीय मौका दिया गया है। अगर वो 3 दिवस के अंदर मौका नौकरी उसमें सुधार नहीं लाते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी जानकारी दी गई, ज्ञापन देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखते हैं छतरपुर के महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित की गई खेल स्पर्धाओं की खबर को। छतरपुर के महर्षि स्कूल में सालाना खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से अधिक खेलों में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। खेल आयोजनों के बाद एक कार्यक्रम के दौरान खेल स्पर्धाओं में श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान अतिथि के रूप में होमगार्ड के कमांडेंट करण सिंह और खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अधिकारी प्रदीप अविद्रा मौजूद रहे। मैं महर्षि स्कूल के सभी खिलाड़ियों और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ सारी एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी तरीके से होती हैं। यहाँ के बच्चे बहुत डिसिप्लिन हैं और इसके लिए निश्चित ही यहाँ के प्राचार्य आदरणीय शर्मा जी और उनका समस्त स्टाफ बहुत ही बधाई का पात्र है। स्पोर्ट्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस उपलक्ष्य में हमने हमारे यहाँ के शहर के माननीय होमगार्ड के कमांडेंट मिस्टर करण सिंह जी और हमारे जिले के डायरा में खेल अधिकारी अविद्रा जी को बुलाया हुआ है। उनके द्वारा हमारे बच्चों को जो साल भर स्पोर्ट्स हुए विभिन्न सेक्शंस में, उन सबको आज प्राइज दी जा रही है, उत्साह वर्धन किया जा रहा है और उसके लिए हम जो माननीय मुख्य अतिथि और अतिथिगण हैं उनका धन्यवाद देते हैं और अपने बच्चों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। पर्यटक ग्राम बसारी में चल रहे बुंदेली उत्सव में बीती शाम बुंदेली गायन और नृत्य ने समा बांध दिया। यहाँ पर अनेक विधाओं में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। बुंदेली लोक गीतों और लोक नृत्यों में कई टीमें इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। टीमों ने कछियाई, तिवारी, बुंदेली कीर्तन, कहरवा, लमटेरा जैसे लोक गायन और लोक नृत्यों में अपनी प्रस्तुतियां दी। बुंदेली उत्सव के मंच पर पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला और बुंदेली विकास संस्थान के द्वारा इतिहास के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान देने वाली डॉक्टर सुधा चौहान एवं साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान देने के लिए डॉक्टर बीरेंद्र निर्झर को सम्मानित किया गया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन में हम आपको बता रहे हैं मेडिकल मोर्चे से संबंधित खबरें। मेडिकल मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर के सर्किट हाउस में किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर अग्रवाल ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरीके से मेडिकल की जरूरत छतरपुर में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों सहित यहां पर बात रखी गई और ये बात भी कही गई कि इन आंकड़ों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके अलावा राज्यपाल तथा संबंधित स्वास्थ्य संबंधित लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की बात भी कही और ये भी संकल्प लिया कि अगर जनप्रतिनिधि इस मामले में सहयोग नहीं देते हैं उसके बावजूद मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई थी, इसका उद्देश्य यह है कि हमें छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की क्यों आवश्यकता है, इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित जनों को एक पत्र लिखा गया है कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की क्यों आवश्यकता है और क्यों खुलना चाहिए। हम सभी जनप्रतिनिधियों से एक बार पुनः संपर्क करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए वो एड़ी चोटी का दम लगाएं। इसमें पूरा जन सहयोग जनप्रतिनिधियों के साथ भी रहेगा। अगर जनप्रतिनिधि इस मुहिम में सफल नहीं होते हैं तो हम लोगों का आंदोलन सतत जारी रहेगा और जब तक छतरपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं खोल जाता है आंदोलन चलता रहेगा। छत्रसाल चौराहे पर मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति का हस्ताक्षर अभियान लगातार जारी है। गौरतलब है कि पहले ही दिन 5100 हस्ताक्षर लोगों ने किए थे और इस मुहिम को तेज करने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया था। जिले में मेडिकल की जरूरत को समझते हुए दानदाता भी दिल खोलकर सामने आने लगे हैं।
मेडिकल संघर्ष समिति के आंदोलन को समर्थन देते हुए राजनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पारवा निवासी लक्ष्मण प्रसाद मिश्र उर्फ लखन पारवा ने 2 हेक्टेयर भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए वचन पत्र के माध्यम से दान दी है। इसके अलावा 1,00,000 रुपए भी उन्होंने संघर्ष समिति को दान दिया है। जी यहाँ पे हमने ये सुना के हम लोग मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं और सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से मांग करके चले आ रहे हैं। इस बार राजू भाई साहब ने यहाँ पंडाल खींच के, तो मैं निकल रहा था, मुझे बंटी भाई साहब ने बताया कि नहीं ये मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही है, इसमें आपका क्या सहयोग है, आइए इसमें देखें। तो नूतन भाई ये सब लोग हमारे साथ आए, हमने देखा कि ये अच्छी मांग है, अगर ये हमारे क्षेत्र में पहुंच जाएगा, अगर शासन स्वीकृति देती है और हमारे क्षेत्र में पहुंच जाएगा, तो हमारे क्षेत्र के कई भाई लोगों ने बताया कि इसमें अपन क्या सहयोग करें। तो हमने 5 एकड़ ज़मीन हमारी जो गांव में है निजी स्वामित्व की, वो हम इसमें दान करते हैं, और अगर मेडिकल कॉलेज किया जाता है तो 1,00,000 रुपये हम और देंगे अपनी तरफ से, जो उसकी उसमें लगाया जाएगा। तो मेडिकल के लिए हम लोग पूर्ण और हम सहयोग करेगा, तो हम अपने क्षेत्र से भी पूरा सहयोग करवाएंगे जो भी हो सकता होगा। मेडिकल कॉलेज छतरपुर के लिए लोगों में जागरूकता और समर्थन प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप आज लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत आपके पास एक लिंक आएगी, आप उस पर वोट कर सकते हैं क्या आप मेडिकल कॉलेज छतरपुर में खोलने का समर्थन करते हैं या नहीं। इसके साथ साथ डेली न्यूज़ और जितनी भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करी जाएंगी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के द्वारा, वो सारी आप लोगों को टाइम टू टाइम उस मोबाइल ऐप के द्वारा आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रोजेक्ट दर्पण का शुभारंभ किया। पोस्ट ऑफिस में आयोजित एक सादे समारोह में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्टाफ के लोग भी मौजूद रहे। भारत सरकार की योजना के तहत प्रोजेक्ट दर्पण CSI रोल आउट एवं आधार नामांकन तथा अद्यतन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उपस्थित थे, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और भोपाल से आए हुए सहायक निदेशक तकनीकी मध्य प्रदेश डाक परिमंडल SS राजपूत भी मौजूद रहे। उनके साथ अतिथियों में अभिषेक दुबे, डाकघर प्रमुख RS चौहान, मनोज सिंह सहित स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पोस्ट ऑफिस का भ्रमण किया और यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद कहा कि बहुत सी बेहतर योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका लोगों को लाभ लेना चाहिए। आज हमारे डिपार्टमेंट में CSI कॉस्ट सिस्टम इंटीग्रेशन लागू किया गया है और इसके उद्घाटन के लिए माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी एवं विशेष अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती अर्चना सिंह जी आए हुए हैं, उसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही आधार अपग्रेडेशन के लिए जो आधार कार्ड बाहर बनते थे, वो आधार कार्ड भी हमारे पोस्ट ऑफिस से बनेंगे और उसमें जो करेक्शन होगा वो भी हमारे पोस्ट ऑफिस के द्वारा हो पाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन तेज स्वर में DJ बजते हुए रोड से चले जाते हैं और देर रात तक DJ बजने की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। इसी बात को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंप कर DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध की मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि DJ और DJ पर पहले भी प्रतिबंध था, पर लगातार DJ बज रहे हैं और 10वीं और 12वीं के पेपर प्रारंभ होने को है, परंतु इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया है कि DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। जैसे छतरपुर को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पर लगातार DJ बज रहा है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा परीक्षा के सीजन में DJ जो बज रहे हैं, लोगों की पढ़ाई पर व्यवधान आ रहा है, बच्चों की परीक्षा का टाइम आ गया, हाजिर की एग्जाम की तारीख आ गई, उनको जो परेशानी हो रही है उसको लोगों ज्ञापन दिया हुआ है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं और तुरंत कार्रवाई कराएंगे। DJ तीव्र गति से जो बज रहे हैं उसको रोक लगाएंगे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खजुराहो नृत्योत्सव का शुभारंभ करने के लिए खजुराहो पहुंची। यहां पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और यहां से वे सीधे भगवान मतंगेश्वर के दर्शन करने पहुंची। यहां पर उन्होंने भगवान मतंगेश्वर का आशीर्वाद लिया और कहा कि खजुराहो के मंदिर पूरे देश भर
के लिए आस्था का केंद्र है, साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए ये धरोहर है और लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। खजुराहो के मुक्ताकाशी मंच पर खजुराहो डांस फेस्टिवल 2018 का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में यहां पर डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश की नामी ग्रामी हस्तियां यहां मुक्ताकाशी मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस नृत्य फेस्टिवल का शुभारंभ किया। शास्त्रीय नृत्यों से सजी इस शाम को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर बातचीत करते हुए आनंदीबेन पटेल ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमारी संस्कृति और विरासत को बचाए रखते हैं, ऐसे आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए। बुलेटिन में ये थी दिन भर की कुछ झलकियां और अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। नमस्कार।